I am Neha Bajaj. You're watching me on Zoom, and today I have with me Mr. Aura, who doesn't need any introduction. He's there at the Holi Bash. Hi, happy Holi. Hello. Hello, Zoom, everyone. Happy Holi. Okay, I can see some colors on you. So, how are you liking the Holi vibe? Yeah, I love this vibe. So, everyone's so very excited. I also very excited. Look at me. I can see so many colors on your hair. It's pink, blue and yellow. Yeah, my favorite color. Okay, pink, good. This earring. Earring also. This also in India accessory. I love Indian accessory. So you like Indian accessories? Yes. All right. So I can see some colors on you as well. So tell me something that about the Holi colors and everything. Are you a little worried that your skin can go bad with the colors, or are you doing any skin care? I don't worry, because enjoying more skin good. All right. So, Aura, have you seen any Bollywood Holi songs? Have you ever gone a chance? Yeah. Today, are you going to play with all colors, water, everything? I'm ready. I'm so excited. Chum also. Come on. Enjoying together. Any of your friends who you would like to play Holi with? So many people, and you. You want to play Holi with me? Yeah. Till now, I haven't. Yeah, and June people. We together enjoying Holi. Okay, can you show me some dance moves that you're going to perform inside the Holi Bash? This Holi. Holi hai! Holi hai! Wow, that's so nice. That's so sportive. Thank you so much. Happy Holi. Thank you so much. Happy Holi. Happy Holi. Hi Madhur, happy Holi. Hi Neha, happy Holi to you and your entire team and all the audiences on the Zoom. अच्छा मधुर, आपने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन अभी तक मैंने होली का गाना नहीं देखा है. ऐसा क्यों? ऐसा कुछ because situation बनाने में बहुत realistic बनाता हूँ, लेकिन ये अच्छा आपने idea दिया मुझे कि मुझे कुछ ऐसा फिल्म में बनानी चाहिए जिसमें होली का गाना भी होना चाहिए, कुछ ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा डालने के लिए. अच्छा, तो अगर आप होली का कोई गाना पिक्चराइज करते हैं, आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन से होंगे उसमें? देखिए, वो सिचुएशन में डिपेंड करता है और उस वक्त पे क्या स्टोरी उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो अभी कह नहीं सकता कौन होंगे बोल के. लेकिन मेरे ख्याल से होली के गाना जितने भी सालों से हमने देखते आ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एरा से लेकर कलर एरिया तक, हमेशा बहुत अच्छा रहा है. और मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ा होली जो है, हमारे जो इंडियन सिनेमा में जो दिखाया, बहुत ही कमाल का दिखाया हुआ है. और इतने गाने होली के, बहुत ही मजा आता है. तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए. एक वातावरण जो होता है, इट्स अ फेस्टिव मूड होता है. एवरीबडी वी मीट, जैसे कहते हैं दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तक कहते हैं. तो आई थिंक दिस इज द राइट थिंग फॉर होली. एंड मैं हमेशा चाहता हूं कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे अब्रॉड में हो, होली एकदम जम के खेले, अच्छी तरह से खेले. बहुत जरूरी है कि इस तरह की फेस्टिव, जो रंगों का त्यौहार इतना बढ़िया होता है, मजा आते हैं. हम लोग इंतजार करते हैं कि इस तरह का त्यौहार होली का कब आए. साल में क्या बात है. तो मैं आप ही के आंसर से पिक करूंगी. आपने किसी दुश्मन की दुश्मनी भुला के उसके साथ होली खेली है? माफ किया किसी को? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं दुश्मनी रखता नहीं किसी से. मैं बिल्कुल नहीं रखता दुश्मनी. अगर मुझे वो दुश्मन मेरे को मिल भी जाएगा किधर पार्टी में, फंक्शन में, या 100% रंग लगाऊंगा. और मैं होली का इंतजार भी नहीं करता हूँ. मैं वैसे भी जाके आई रीच आउट टू दैट पर्सन, और उनको ऐसा कभी भी मुझको मिलता मैं स्माइल कर दूंगा. मधुर मुस्कान रहती हमेशा. तो मैं दुश्मनी बिल्कुल नहीं रखता, रहना भी नहीं चाहिए. हमेशा प्यार मोहब्बत होना चाहिए, वो जरूरी होता है. और होली तो ऐसा है कि डेफिनेटली जब आपको कोई दुश्मन भी मिलता है तो आपको रंग लगाना चाहिए और प्यार बरकरार रखना चाहिए. अच्छा, अब मैं कुछ रंग आपको बताऊंगी. आपको बॉलीवुड एक्टर्स से उन्हें जोड़ना है कि आप उन कैसे रंग में उनको देखते हैं. अच्छा, सो कलर रेड से आप किस एक्टर एक्ट्रेस को जोड़ते हैं? मेरे ख्याल से कलर रेड में तो मुझे ख्याल से वो मेरे ख्याल से शोले में धर्म जी हिमांशी जो थे, वो अपना गाने में जो वो था, वो मैं बहुत ही जोड़ता हूँ उनको. कलर पिंक से मेरे ख्याल से एक पिक्चर थी बहुत पुरानी, राजेश खन्ना की, और उसमें आशा बाली जी भी थी, कटी पतंग, वो जोड़ता हूँ मैं. ब्लू में मेरे ख्याल से अभी हाल ही में पिक्चर देखी थी मैंने जो बहुत साल पहले, दीपिका और रणबीर, ये जवानी दीवानी मेरे ख्याल से. अच्छा, बचपन में कभी आपने होली के दौरान कुछ मस्तियाँ की हैं जो आप शेयर करना चाहें? बहुत मस्तियाँ की है, बहुत हम लोग घूमे, बहुत फुग्गा मारते थे. उस टाइम में बड़ा फुग्गा मारने का बड़ा कल्चर होता था. बाल्टी भर भर के हम लोग फुग्गा रखा करते थे, रंग लगा करते थे. और हमारे टाइम पे होली में सच्ची बताओ आपको, 10 दिन पहले चालू हो जाती थी और 10 दिन
तक चलती रहती थी, रोज होली रोज होली, रोज हम लोग कपड़े बदलने का, रोज जाने का. इट वॉज अ डिफरेंट एरा, डिफरेंट मोमेंट. वो भी है ही नहीं डेफिनेटली. अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, रंग के भी हो गया. हमारा तो रंग 10-10 दिन तक जाता नहीं था. पता नहीं मम्मी क्या क्या लेके घसती थी और निकालती थी, पता नहीं कैसा. हम छोटे थे तो वी वर नाइव थे, हमको पता नहीं था. और बड़ी अजीब होती थी होली. कोई टमाटर मारता था, कभी अंडे मारता था, कभी कुछ मारता था. अजीब अजीब तरह का रंग होता था उसमें. तो बलून मारना, वो बड़ा बड़ा ये था. लेकिन अभी वो है नहीं. अभी नाउ इट्स बिकम मोर सैनिटाइज एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट. मोर पीपल आर अवेयर ऑफ कि ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, या रंग वही लगावे जो स्किन को खराब ना करे. तो काफी चीजें चेंजेस हुई है, तो विच इज वेरी गुड. एनवायरमेंट के हिसाब से भी हम देखते हैं, लोग ड्राई होली खेलते हैं, कोई फूलों की भी होली खेलता है, कोई रंगों की भी होली खेलता है. लेकिन रंग होना चाहिए. रंग अगर नहीं तो जिंदगी में मजा ही नहीं है, जलवा ही नहीं है. क्या बात है, आपकी फिल्मों की तरह आपके डायलॉग्स और आपकी बातें भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. सो थैंक यू सो मच माधव, विशिंग यू हैप्पी होली. एवरीबॉडी विशिंग जूम के सभी परिवार को, मेरे दोस्तों को, मेरे फैंस को और जितने भी देखने वाले अपने दर्शक है, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मेरे साथ है माहिरा ऑन द होली बैश होस्टेड बाय मिस्टर विनीत जैन. माहिरा बड़ी प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. अच्छा, अपने आपने लहंगा पहना है आज, कुछ बताएं अपने आउटफिट के बारे में. शरारा पहना है, शरारा. आई डोंट नो, आई एम वेयरिंग पता नहीं कुछ भी. अच्छा, और माहिरा बचपन की कोई ऐसी होली की याद, कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट प्ले होली. दिस इज माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम प्लेइंग. मतलब एक बार किया था बट नॉट रियली, बट टूडे आई एम जस्ट यू नो मेकिंग मेमोरीज मे बी. तो सब लड़कियां होली से कभी कभी बचती भी हैं कि स्किन खराब हो जाएगी, तो क्या आपने कभी बहाने बनाए? मैं आज भी बनाने वाली हूँ. आई एम वेरी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. लाइक आई डोंट वांट टू पुट कलर ऑन माय फेस बिकॉज माय स्किन इज वेरी सेंसिटिव. बट ठीक है, हमारे इंडिया का त्यौहार है, सेलिब्रेट तो करेंगे. ओके, सो दोस्तों को क्या बहाने देती हैं आप कि मुझे होली नहीं खेलनी? क्योंकि मैं जाती ही नहीं. आज मैं बाहर आई, वरना मैं जाती ही नहीं बाहर. तो उनको बहाने देने का मौका नहीं मिला. कुछ स्किन केयर किया होली से पहले? हाँ हाँ, थोड़ा सा बस सनस्क्रीन एंड ऑल और थोड़ा सा कंसीलर ब्लश, दैट्स इट, टू प्रोटेक्ट माय स्किन. दैट्स इट. एंड होली के दिन सबसे ज्यादा क्या खाना आपको पसंद है? यार खाने का मन तो है, बट आई कांट ईट बिकॉज आई एम ऑन डाइट. सो आई विल ट्राई नॉट टू ईट, बट मे बी आई विल ईट समथिंग. ओके, आई एम गोना टेक सर्टेन कलर्स और आपको मुझे बताना है कि किस सेलिब्रिटी को आप उससे जोड़ती हैं. द क्विक वन. ओके, सो कलर रेड. मतलब आपको कलर रेड, आई थिंक करीना, बिकॉज शी इज सो फेयर नो, शी विल लुक गुड इन रेड. या शी इज लाइक टमाटर. ओके, एंड कलर ब्लू. आई लाइक ब्लू कलर, सो मे बी सूर्या. Okay. He's my favorite actor, so that's why. Okay. And the color green? Green. Bada masla hai ye to. Green kisko do? Sab ne favorites to bol diye. Ranveer Singh. Yeah. Okay. Color yellow? Yellow. Kiara Advani. She's so bright and smiley, so that's why. Okay. Aapka favorite holi song kya hai? Mera may be that one. Duniya pe hai na 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 na. Wo kaun sa hai? जो भी लोग होली नहीं खेलना चाहती हैं, बहुत सारी लड़कियां बचती हैं, तो उनको बोलो ना कि होली खेलना होंगी, कि जाओ जाके होली खेलो. ये साल में एक बार आते हैं, हमारे इंडिया का त्योहार है, कलरफुल त्योहार है, मजे करो यार. अगले दिन जाके क्रीम लगा के सो जाना. हैव फन. ओके, थैंक यू सो मच माहिरा. थैंक यू, बाय. हाय करण, लवली टू मीट यू एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. ओके, हैप्पी होली. सो यू स्टैंड आउट अमंगस्ट ऑल द वाइट, सो यू ऑप्टेड फॉर अ ब्लैक कुर्ता. आई पिक्ड अप व्हाटएवर वाज इंडियन इन माय हाउस. देयर वाज नो वाइट कुर्ता, आई जस्ट पुट इट ऑन. द आइडिया इज टू प्ले होली, सो इट्स परफेक्टली फाइन. ओके, सो टेरेंस, एनी मेमोरी दैट यू रिकॉल फ्रॉम योर चाइल्डहुड ऑफ होली सेलिब्रेशंस, सम फन? Well, all I can say is because I was raised in a Christian family, we were very religious about not playing Holi because it was at the same time of Lent, which is supposed to be, you know, observation of certain amount of abstinence from things. But as we grew up, we've made some changes. So I always envied watching everybody play Holi outside my window, and I think I'm making it up now by coming for every Holi. That's so sweet. Okay, your favorite Holi song that you always love watching? I think there's only one OG song, and that is Rang Barse by Amitabh Bachchan. He sang in a movie in Silsila. And the other one that is the one with Ranbir Kapoor and Deepika Padukone, Itna Maza. I think those two songs are like the iconic Holi song. One is traditional and very beautifully sung and has a lot of depth and meaning, and the other one is fun and makes you just jump up and dance. Okay, so I'm going to quickly tell you some colors and you're going to tell me some celebrities that you immediately think of. Okay, so color red. Color red is Priyanka Chopra.
Okay, pink. Pink is Shraddha Kapoor. Blue. Blue is, how could it be? Blues, somebody who gives me the blues. I think Tabu, Rani Mukherjee, all the Vidya Balan, all the very good actors, you know, they are evergreen in some way. Color green? Again, I would say Tabu, Madhuri, you know, the good actors, Vidya Balan, Priyanka Chopra, these are like very evergreen, they're amazing. Okay. Yeah. So there are many people who shy away from dancing on Holi because they don't know. Can you teach me also one hook step that I can do? You just have to keep your hands here because it's okay. A dipping step, which is... Holi hai! Holi hai! Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you.